कृष्ण की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ, 1 बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी, ये पूरे शिवलिंग का वर्णन, 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि, आप दूसरे के यहां काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लांट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लौरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना, घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर, 2 बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो, 3 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा, 4 बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, 4 बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर, और 5 बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5 बेलपत्र समर्पित करना, 1 शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।